माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो बहुत ही पसंद आई है। चुप करो ना, थोड़े जी मुंह में डालो। मैं तो कहता तुम्हारी मिट्टी को तो वो काट ही जाए। तो अच्छा अच्छा जी, करा के भाई इंची दे पोआ के। कैसी लगी आपको मेरी टिकटॉक माशाल्लाह से? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हाय हाय, रोना क्यों पैते हो? देखेगा काम होता नहीं तो रोले दूजे पा पा कहते काम। हाँ तो मैंने तो रखा है ना, तो तुमने मैंने रखा है तो तुम कह रहे हो जना आपने फेंका है। हाँ तो क्या है, गिल्ला हो गया तो फट गया। हाँ तुम जो एक तो जो तुम हो। देखिए गाइस, ने इसने मेरा जहन खराब कर दिया, इसका धुआं निकले शाला। सो गाइस, आज हमने कुछ करना है। मैंने आपको पहले कितने ब्लॉगों में बताया, लेकिन गाइस हम चुप करो ना, थोड़े जी मुंह में डालो। सो गाइस, मुझे प्लास नहीं मिल रहे गाइस, आई एम वेरी मच फाइन। मेरे दिल में नया ले आऊँ ताकि ये रोज रोज का तमाश खत्म हो जाए, क्योंकि इसने घुमा तो दिया हमारे वाला, तो अब हम क्या करें। नाउ गाइस, अभी बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है, बाहर धूप भी है लेकिन हवा घुली हुई है। देखें ना माशाल्लाह से, था हमारा ही था, हमारा ही था। तुमने घुमाया, तुमने घुमाया, तुम ही ऐसे हो, तुम ही अजाब हो हमारे लिए। देखें गाइस, हम आसिम से एलईडी दोबारा लगवा रहे हैं, इसने खराब लगा दी थी। नीरी जी पर वक्त गाइस, देखें माशाल्लाह से इतना खूबसूरत मौसम हो चुका है। Things are getting out of hand. हमने इसको खोल दिया है एंड इन्होंने वहाँ पर जो मैंने बल्ब लगाने हैं उनका उसने कनेक्शन ही काट दिया है। गाइस इनका धुआं निकला इलेक्ट्रिशियन का, अभी मैंने उसको बुलाया और मैंने उसको धुर धुर किया काफ़ी ज़्यादा, तो अभी वो आएगा एंड देन आई विल अगेन मेक श्योर टू धुर धुर हिम। एंड अभी हम कहीं और जा रहे हैं, हमारा ही क्या कहते हैं, हाँ सारा दिन आज कसम से ना काम किया। सुबह जिस दिन जिस दिन कुछ मेरा काम हो जाए ना, उस दिन मुझे फिर ना सारा दिन मेरा बिजी चला जाता है। गाइस आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। अभी हम जा रहे हैं अपने खालक का, चल वे आ मगरिब होने वाले। गाइस ताला मार सु, शाम पे आएगी सु, जल्दी कर सु, चलिए सु, फिर चलिए ताला मार सु, मुका सु। गाइस देवी भाई आ चुके हैं, इतना अच्छा मौसम है और ये अब हमें अपना कमरे में लाइट्स लगा के देंगे, क्योंकि ये पहले इलेक्ट्रिशियन थे बचपन में और अब ये डीलिंग्स का काम करते हैं। अच्छी बात है, मैं तो कहता तुम्हारी मिट्टू को तो वो काट ही जाए। तो अच्छा अच्छा हुआ फिर इलाज है तुम्हारे मिट्टू का। हाय और वो उसको ब्लड है रत्र, नहीं ब्लड नहीं कलर लगाया है मैंने, नहीं खुद को खा गया वो, खुद अगली भी वासी खा गया। गाइस माशाल्लाह से ज़ेब भाई ने लाइट्स लगाई है, ज़ेब भाई जरा जला के दिखाना अपने लाइट्स माशाल्लाह से। देखिए गाइस ये मुझे बचपन में माशाल्लाह, देखिए गाइस कितनी खूबसूरती होगी, पूरे रूम में चमक धमक होगी माशाल्लाह से। आपके हाथ इंच भी चिट्टे सफेद हो गए ना कमरे में ना, मुझे वो वाली लाइट जो है ना, नहीं नहीं वो बहुत प्यारी लग रही है, वो नहीं ये दोनों सेम ही है, तो मैं जो प्यारी लग रही है। माशाल्लाह से गाइस देखें इतनी मेहनत हुई, आज अभी हम फ्रेम्स लगाएंगे तो फिर ज्यादा चमक जाएगा। भाई बेड मैंने थोड़ा सा दरमियान में कराया गाइस, और देखिए अभी हम आपको लगा कर देखते हैं ना, कमरा चमक गया पूरा माशाल्लाह से। देख माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो बहुत ही पसंद आई है उन्हीं तुम्हारे आज की बनी हुई फ्रेम में, देखो ना जैसे बिल्कुल जैसे हम वो, ओहो हमने वो तो बनाए, वो तो सही किए नहीं चाहते तो मुझसे दिखी थी नहीं इनको। देखिए गाइस ये हमने लगाया फिर हमने फ्रेम्स लगाए, गाइस कैसा माहौल बन गया माशाल्लाह। गाइस एकदम बेड शीट भी ठीक कर ले फिर हम आपसे मिलते हैं। गाइस ये बिलाल का दो निकले, बिलाल सोने चला गया तो हमको निकाल लेते हैं। गाइस जाओ इधर आओ हमारे पीछे आओ, कैसे हो तुम्हारा दूर निकले मारसू मारसू। ओयो ओए होए होए गाइस, देबी ने सोफा तोड़ दिया हमारा। वाह फ्रेश हो गई। ओहो वाह, कैसे लगा बाजार भाई आपको नजारा? ब्यूटीफुल वाह, माशाल्लाह से देबी ने कूलिंग स्टार्ट कर दी है। हां मुझे अब गर्मी लग रही है इसमें, मैंने कूलर क्योंकि बहुत ज्यादा हॉटनेस हो गई कब।
क्यों लड़ रहे हो आप दोनों? ना लड़ो ना, कैसे आप लोग नहिश्ते हो दोनों, नजीरे हो दोनों? आज गाइस बाहर इतना अच्छा मौसम है और कूलर की आवाज है, जैसे कोई होता नहीं है एयर कंडीशनर। हाँ, जैसे हम कंडीशनर, कैसे तुम्हारा कंडीशनर के लगने की तरह मुंह है। गेट आउट करने जा रहे हैं क्योंकि इट्स वेरी नाइट टाइम एंड नाइट टाइम रूटीन एंड ही इज गोइंग टू स्लीपिंग एंड इज गोइंग टू ऑफिस एंड गोइंग टू गुड बाय एंड स्लीप टाइट एंड गाइस जैकेट इज कूलिंग एंड गाइस हवा इज कूलिंग एंड गाइस हर शाय उतर इतना तो थले थले होइंग एंड गाइस ही इज गोइंग एंड वेयर आर यू गोइंग एंड गोइंग टू स्लीप एंड यस एंड गोइंग टू होम एंड गोइंग टू स्लीप यस हेलो फिर जब भी मैं टिकटॉक बना के हला हूँ आटा हूँ आप देखें टिकटॉक कितनी मजे की बनी है ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें जी करा के भाई इंची दे पवा के टायर कम देनी तेरे शहर कम दे अ गड्डी नीवी जी करा के भाई इंची दे पवा के टायर कम। कैसी लगी आपको मेरी टिकटॉक माशाल्लाह से? देखिए आज मैंने कितनी मेहनत की है, थोड़ी सी बल्कि मेहनत की है, इतनी तो मेहनत की नहीं है। इतनी प्यारा खूबसूरत सा माहौल बन गया गाइस, अभी मैं इसको पेंट भी कर सकता था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था गाइस, मैं सारा दिन बहुत ज्यादा बिजी था गाइस। आप भी थोड़ा बहुत हलचल लिया करें, कोई बात नहीं, तो ये आप भी ऐसे कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे मर्जी आप, जो मर्जी आपको अच्छा लगे आप वो लिखें। मैंने कहा एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपको ये मोटिवेट करता है। फिर मैंने लिखा तवक्कल, कि अल्लाह पे भरोसा रखें सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैंने लिखा कि ओवरथिंकिंग मत करें, ज़्यादा मत सोचा करें, आपको ढूंढने के लिए उतना ही सोचा करें जो कुछ होना। आप ओवरथिंक कर करके अपने दिमाग का वैसे ही बढ़ता बना लेते हैं गाइस, इसलिए ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए गाइस। मैं सोच रहा था मैं अपने लिए ना कोई ये लाइट प्रूफ वाली ग्लासेस लेकर करूँ, एक जगह से मैंने पता किया है तो उन्होंने कहा है कि फ्लैश फिर भी नजर आएगा, तो मैं कहता फिर ऐसे मज़ा नहीं आता, तो मैं अच्छी वाली कोई लूँगा ग्लासेस जिनसे ना ये फ्लैश जो है कैमरे में ना नजर आए और मेरी आंखों में ना पड़े, क्योंकि जब वीडियो बनाने के बाद ना मुझे कोई शायद नजर नहीं आती। में तो काम ज्यादा हो ना हो वैसे बंदा ज्यादा थक जाता है। आई एम वेरी टायर्ड टुडे गाइस, पता नहीं अब मैं क्या करता हूँ, आई थिंक आई विल गो टू स्लीप, बट लेकिन आई विल फर्स्ट एडिट द वीडियो, क्योंकि सुबह तो आगे बहुत ज्यादा अजाब होते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि सुबह क्या होगा, तो आप इसलिए आज ही एडिट करके अभी डाल दें। ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको कुछ भी नहीं जाएगा। शुक्रिया।